में एक सूचना आई थी, श्री आरडी वाजपेयी हैं जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रेलवे बोर्ड में दिल्ली में, उनके उनका परिवार यहां रहता है और यहां पर दो बॉडीज मिली थी। एक यह सूचना आई थी कि किसी ने गोली मारकर उनकी पत्नी की और उनके बेटा की, पत्नी श्रीमती मालिनी वाजपेयी और बेटा जो 16-17 वर्ष का था उसकी हत्या कर दी गई है। यहाँ आने पर तुरंत डीजीपी साहब आए थे, पूरी टीम आई हुई थी, फोरेंसिक्स की टीम आई हुई थी, डॉग स्क्वाड आया था, क्राइम ब्रांच आई थी, सभी तरह की टीम्स ने जब यहाँ पर निरीक्षण किया तो यह पाया है कि यह घटना नंबर वन गनशॉट इंजरी से हुई थी, दोनों की मृत्यु हो गई है। बेटे को सर में गोली लगी थी, जो मदर है उनको देखकर समझना होगा कि कहाँ गोली लगी है, चूंकि ब्लड बहुत था। नंबर दो, पूरे घटनाक्रम से जब इसके इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिकली किया गया है तो यह बात प्रकाश में आई है कि इनकी बेटी जो जुबिनाइल है उसने किया है, नाम मैं नहीं डिस्क्लोज करूँगा, और उसने यह दोनों माँ और भाई दोनों को गोली मारी है, और जो अपेरेंटली उसके निशादेही पर वेपन बरामद हो गया है। जब पूछताछ हुई इससे, इसने कन्फेस कर दिया है क्राइम को। उसने पूछताछ में यह भी बताया कि आज उसने अपने को भी काफी वाउंड्स रेजर से इन्फ्लिक्ट किया है, वह रेजर से बरामद करा दिया है, बैंडेज दाहिने हाथ में लगाई हुई थी, उसे खोलने पर वह पूरे वाउंड्स भी दिख रहे हैं, उसके दूसरे हाथ में पुराने वाउंड्स भी दिख रहे हैं। जो अभी तक थोड़ी सी पूछताछ में समझ में आया है कि दैट शी इज इन डिप्रेशन, और हम नियमानुसार उसे बाल संप्रेक्षा गृह में भेजेंगे, पर उसके पहले विल टेक केयर ऑफ हर एज वेल। इसके फादर आ रहे हैं, इज ऑन वे टू लखनऊ, और इसके नाना और पूरा परिवार है, उनके सामने ही यह पूछताछ हुई है। मोटिव डिप्रेशन दिख रहा है, बिकॉज ये बाथरूम में इसने डिसक्वालिफाइड ह्यूमन लिखा है, जो इसका कहना है इसने अपने लिए लिखा, और उसमें भी बीच में गोली मारी है शीशे में, वो अभी पैलेट रिकवर हो गया। वेपन कौन सा मिला है सर? वेपन है, ये अभी और डिटेल्स दे देंगे, फॉरेंसिक्स की टीम है, वेपन मिल गया, इसके रूम से मिला है, इसने ही बताया है, और उसके बाद इसने माँ और भाई को शूट किया है। जो वह डिप्रेशन दिखता है, वो इससे भी दिखता है कि इसने हाथ पर बहुत इन्फेक्ट की है, इंजरी बता रही है, कंफेस कर रही है, पूरी बात लिखी है।